number you have dialed. हाल है सूफी? बढ़िया बढ़िया। देख गुरप्रीत को तंग कर रहा हूँ भाई, साला लाइव पे बैठा, मैं इधर फोन कर रहा। तो बेंचो लाइव पे फोन मत सुनाया कर यार, बेंचो बेइज्जती हो जाएगी किसी दिन। साले बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी इज्जत होती है भाई। हाँ भाई तेरी इज्जत है ही नहीं, सही कह रहा तू। अरे मेरा गुरु पता ना कौन है भाई, हमें पहले इज्जत उतारनी पड़ती है भाई, फिर गुरु बनता है हमारा। गुरु वो है, वो तेरा गुरु है, वो गुरु तेरा लोड़े, वो गुरु पता कौन है? तुम उस गुरु के खेले हो जो लोड़ो में ही खेले हो। मैंने भाई ये तेरी वीडियो देखी भाई, सीटी मार सीटी मार। आंधी आई बुझ गई, नीटिया लुल्ली और चुतड़ की लड़ाई, टट्टे मारे सीटियां। नहीं नहीं नहीं, जो दीपक हो, दीपक के साथ थी तेरी भाई। दीपक सीटी मार जरा, हैरी गुजराल के साथ। दीपक सीटी मार जैसे यार जी, तो डायलॉग बोलता है भाई, कौन सा डायलॉग था भाई? आंधी आई बुझ गई अंगीठियां, लुल्ली और चूतड़ की लड़ाई, टट्टे मारे सीटियां। उसपे पता है 7 मिलियन व्यूज है, 7 मिलियन व्यूज है उसपे। दीपक कलाल की खुद ने अपने यूट्यूब पे डाल रखी है वो। दीपक भाई अपना भाई है, पता नहीं क्यों परेशान हो गया उसे ना लोगों ने भड़का दिया सूफी भाई। अरे यार उसको यार पनौड़ी नीचे बैठा है यार, पनौड़ी भाई कुछ कर यार, उसको लेके आ यार, कुछ भी कर बहनचोद भाई, जितना वो पैसा पनोड़ी, पनोड़ी ना भाई। भाई वो किसी की नहीं मानता, वो किसी की नहीं मानता। नहीं नहीं पनोड़ी की मानेगा भाई। अरे यार पनोड़ी तो सारे 80% डायलॉग उसी के बोलता है। क्या कह रहा है पनोड़ी? 80% है, 80% डायलॉग उसी के बोलता है। लचकी लड़की वो दीपक ने मुझे बताया था, खुद बताया था मुझे। लाइव पे बैठा है कौन? और बता क्या हो रहा है भाई? मेरी गर्लफ्रेंड कभी कभी फोन है, मैं पंजाब आ रहा हूँ, ओसड़ी के गांड मराएगा, मैं तो जा रहा हूँ गोवा। ये देख मेरा बैग और मैं रेडी बैठा हूँ भाई इधर। अबे चुदाई खाने कब जा रहा है? अभी तो जा रहा होगा, परसों तरसों तो आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा बहन के लोड़े। 2 दिन के अंदर कौन आता है? 5-6 दिन लगा के आऊंगा, 2 वीक, 2 हफ्ते। तो मैं, मेरी बात सुन, मैं 29-30 तारीख को आ रहा हूँ। आ जा, हाँ मिलूंगा तेरे से थोड़ी देर। कौन कौन आ रहा है साथ में? दोनों भाई। और कौन आ रहा है? मेरी फैमिली होगी। फिर तो बच्चों को भाभी को सबको लेके आ, मेरे घर पे रुको तुम। नहीं नहीं, वहां पखवाल रोड पे स्टेडियम वाली गली विकास नगर में, तेरे को बताया नहीं कि मेरी मासी का घर है? हाँ, वो जिनकी पुराने कपड़ों की दुकान है। हैं बैन के लोले डीन है खालसा कॉलेज संगले, तू तो राई भूखो में है बैन के लोले, मैं अमीरों में पला, तुझे पता ही है। वैसे भी तुझे पता ही है पैसा ठोक के है। फिर तूने ऐसे क्यों कहा है? एक मिनट तो अपने लोड़े का आशीर्वाद देता हूँ, एक मिनट। ये पकड़, ये लोड़ा, ये तेरे कर दिया टीका, चल जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, और अपनी गांड में उंगली डाल के सूंघ ले भाई, तेरे को भी आशीर्वाद। मुझे मत बता, ये मुझे मत बता चुदाई खाने, मेरा डायलॉग मुझे ही। तू अपनी गांड के अंदर उंगली डाल के सूंघ ले भाई, ये मेरा डायलॉग है। तू भी खुश रहा भाई बहन के लड़े, तेरे दीपक कलाल जैसा मेरे को नहीं बोल पाया तू टट्टे। फिर वो फिर तेरी गांड के अंदर से लड़की की खुशबू आएगी भाई, कसम से कह रहा हूं। बोल और सुना, बिजनेस कैसे चल रहा है भाई? बिजनेस ठीक चल रहा है? बात सुध रखी है इस टाइम, बहन की लोड़ी विकटे पे विकटे गिर रही है। तू बता वहां पे तेरा कबाड़ी का बिजनेस कैसे चल रहा है भाई? सुनना भाई, सुनना सुन, मेरा तो भाई बिजनेस सारा साल चलता है भाई, अभी तेरा सीजन है, तू सुना भाई कैसे। अभी कोई अभी गाड़ी वाड़ी चेंज करेगा क्या? हाँ मैं वो ले रहा हूँ, रेंज रोवर ले रहा हूँ, लेगा? देख बहन के लुड़ेगा, 10 रुपए वाला नेट खत्म हो रहा है बार बार। अरे सुन तो सही। अच्छा जो तू कौवा लाया था उनने तेरी गांड की, मैंने सुना तेरी गांड पे चोचे मारी है। हाँ मारी। अरे भाई फिर भी मैं जिंदा हूँ देख। तो मैं कौन सा मर गया बहन के लंड? अरे तू तो दुआ करता है भांचोद, सुबह सुबह उठ के दुआ करता है, बता क्या लोग दुआ करते हैं? भगवान मेरा काम चले, मेरी भगवान चले, मेरा आटा। तू भी लोगों से दुआ, पता है ये लोगों से क्या दुआ करता है? भगवान ए भगवान, लोग दारू पिए मेरे पे कबाड़ी की बोतलें आए, मैं पिए देखू 2 रुपए की बोतल। ए भगवान कहीं पे लोहा चोरी हो जाए, ये कबाड़ी है बहन का लोड़ा, पंजाब का नंबर 1 कबाड़ी है। ये तो
राहुल गुरप्रीत को, गुरप्रीत को ऐड कर, फिर बात करेंगे। गुरप्रीत को ऐड कर। सुनना, तू सुबह सुबह उठ के क्या दुआ भाई? गुरप्रीत भाई, मैं कहता हूँ सुबह उठते मैं कहता हूँ आदित्य बालियान की मुझे गांड मिल जाए। नहीं 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 भाई, तू सुबह सुबह उठ भाई, अगर मेरे देख मैं बोलूंगा वो ही गुरप्रीत बोलेगा। तू सुबह सुबह उठ के कहता है भैंचो लोग मर जाए भाई, मेरी लकड़ी बिक जाए भाई, तू ऐसे बोलता है भाई। और तू भी सुबह उठते कहता है लोग सुबह से दारू पिए तेरे बोतलें बिक जाए। ये देखो नाश हो गया, ये देखो, ये देखो तुम्हें बंदे दिखाऊं, ये नाश हो गया दारू पी के उल्टियां कर रहे। एक ये नाश की जड़ बैठा है। एक नाश की जड़ बाहर है। ये शकल तो दिखा दे कणमरे। ओ ये बहन के लड़ो, कौन से सस्ते नशे कर रहे हो तुम? सस्ते नशे नहीं है, तेरी मैया के चूजे सारे टूटने हैं। अरे ये क्या नशे कर रहे हो यार? गुरप्रीत से मिलवा, वो बताएगा कौन है। देख के ना भाग जाए, वीडियो कॉल पे तो नाम बदल लेना भाई। शकल देखेगा और अनवो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल हो जाएगा भाई। अभी एक किसको अनइंस्टॉल हो गया भाई, ये तेरा बंदा। चल मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई, ये कर क्या रहा राहुल? चुप रह बहन चोद, ये भाई अपना कस्टमर बना रहा है भाई, कसम से। नहीं ताकत तो है राहुल, तू अपना कस्टमर बना रहा है ना, सच्ची बता। तू चाहता भाई बहन चोद वो लुढ़क जाए तेरी सुबह सुबह दुकान में भाई, कस्टमर आ जाए। ओ भाई साहब, भाई जिसके ऐसे दोस्त हो ना भाई, कसम से उसको दुश्मन की जरूरत नहीं। वो बेचारा इसके दारू पीने के लिए इसने उसकी दारू में जहर मिला दिया, अब भाई ये सुबह सुबह बोनी करेगा। निकल जा यहाँ से। क्या हो गया भाई? डॉक्टर के पास जाओ, जहर मिला दिया राहुल ने तुम्हारी दारू में। क्या हो गया, क्या हो गया, नशा हो रहा है क्या? हाँ कनौड़ी भैया, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? हाँ मैं चुत भी गया। क्या हो गया, नशा हो गया भाई? आज चोट देंगे बहन के लोड़ो, प्रेजेंट बोल ले तुम्हारी माँ। जाते जाते लोड़ा दे गया, बहन चोत देंगे। भाई आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा हंस रहा हूँ, मुझे माफ करना भाई। राहुल शर्मा जैसा जिसका दोस्त हो भाई, बताओ अभी उस बंदे को दारू में भैंचो जहर पिला दिया है ताकि वो बंदा मर जाए और शमशान घाट में इसकी लकड़ी बिक जाए भाई, बताओ कैसा घटिया आदमी पनौड़ी भाई। गिर गया। ओ, पनौड़ी भैया देखा आपने भाई कितना हरामी है यार ये हमारा राहुल, कहते ही लकड़ी का व्यापारी। हे भगवान, चलो छोड़ो यार। भाई देखो उल्टियां कर रहा है ये, भोसड़ी का दिखा रहा है। मयूर चाचा को ऐड करता हूँ, मयूर चाचा बताएगा भाई इसकी सारी सच्चाई। मयूर चाचा ने अगर 385 से 300 कर दी है भाई, मयूर चाचा गांड पे लात मार के भगाऊंगा। कहाँ पे मयूर चाचा, कैसे हो गया? गोवा जाने की तैयारी है। जी भाई, मयूर भाई, भाई राहुल देख रहे हो क्या कर रहा है? चिंदी चोर है, उसकी औकात क्या है? अरे ऐसे सबकी औकात जानता हूं मैं तो। अरे वो कह रहा था मयूर चाचा मरेंगे तो 20% डिस्काउंट देंगे। भाई पंडित आदमी है, सुनो इनके तो फायदे, बच्चा पैदा हो तो पंडित की जरूरत पड़ती है, मरो तो
पंडित की भी जरूरत पड़ती है, दोनों तरफ से मजे हैं। और आप खाना करोगे, आप खाना करोगे तो पहले 7 पंडितों को खिलाओगे, तो राहुल के तो मजे हैं भाई। सही बात। अरे बहनचोद, मैंने दुनिया, भाई मेरी गर्लफ्रेंड भी पंडित है, सुनो मैं आपको बताऊं। और भाई ऐसे ऐसे बंदे देखे मैंने जिंदगी में, बट राहुल जैसा हरामी बंदा नहीं देखा मैंने। सही में हरामी हो भाई, ये सुबह उठ के दुआ करता है भाई किसी की विकेट गिर जाए। बताओ ये गुरप्रीत लाइव शेयर क्यों कर रहा है मुझे? अरे गुरप्रीत को तो हम बुला रहे थे इधर आप भोसड़ी के। बहुत गंदा, वो ही नहीं देखता कब किसको क्या बोलना है क्या है। चाचा सुनो, देखो सर्दी आ रही है, आप अपना घर बसाओ, अभी आपकी उम्र इंशाल्लाह बहुत लंबी उम्र होगी आपकी, ठीक है? आपका निकाह करवाते हैं हम यहाँ की। चाचा कैसे हैं आप? मयूर चाचा भाई बहुत बुरा हूँ। ए लचकी मयूर डार्लिंग बोल, तुम दोनों सेम उम्र। अरे यार मैं मयूर चाचा ही बोलती हूँ इनको, इनको बुरा नहीं लगता तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं तो बढ़िया हूँ। तो क्या फिल्टर लगा ले पहले? फिल्टर लगा लूँ? बढ़िया सा मेकअप नहीं किया ना मैंने अभी, इसलिए फिल्टर लगा रही हूँ। ऐसे बोलो, दो तीन दिन से नहाई नहीं। आज मैं बहुत अच्छे से नहाई हूँ क्योंकि मुझे आज जाना था ना, इसलिए। बट मैं क्लीन कपड़े पहन के बैठी हूँ। ब्लेजर पहन लगा दोनों भाइयों ने। ऐसे भी भाई, क्या बात है, क्या बात है। तू मान मेरी बात, अच्छा चलो। हाँ भाई, हाँ 3 बजे की फ्लाइट है तो तू एक काम कर, मेरी घंटा लगेगा रास्ते में। और आपका बर्थडे है कल, तो फिर पार्टी दे रहे हो आप? 12 बजे, 11:30 बजे आजियो, 10:30 से 11:30 बजे। कहाँ आना ये बताओ? 11:30। आप लोग बॉम्बे JW मेरे रेट में आ जाओ। आते ही दूर बुला रहे हो आप। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नर्क में नहीं बुलाया भाई। मैं आ जाती है ना, जरूर चाचा। तो मुझ जैसी हसी ना जहां जन्नत में रहती ना कि जहन्नम में। अरे जन्नत में क्या मिलेगा तुम्हें भाई बताओ? कुछ भी नहीं मिलेगा जहन्नम में, दारू मिलेगी। मुझे बताओ जन्नत में कैसे पहुंच जाएंगे हम लोग? अरे जन्नत में आपको मयूर चाचा हूरे मिलेंगी, हूरे। अरे सुनो सुनो, हाँ ऐसे कर्म मिल रही हूँ। अरे हटाओ हूरों को भाई। अरे हूरे वूरे बोरिंग है भाई, वहां पर हम जैसे लोंडे लपाटे नहीं मिलेंगे भाई। हरामी दोस्त कहाँ मिलेंगे? नर्क में मिलेंगे। भोसड़ी वालों स्वर्ग वर्ग में मत जाइयो, जन्नत मन्नत कुछ नहीं है भाई। चलो हमारे साथ नहीं पार्टी करेंगे वहां। इतने अच्छे कर्म तो करे नहीं सुभी भाई के, अपन को स्वर्ग में जगह मिल जाए। नहीं नहीं, एक आधा अच्छा तो काम किया होगा आपने। एक अच्छा काम का भाई जाना नहीं पाया। अच्छा काम किया था उन्होंने, अपनी IDD एक्टिवेट कर। एक ही अच्छा काम किया था, अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी भाई, और कोई अच्छा काम नहीं किया। किसने डीएक्टिवेट किया अपनी आईडी? लवेश का, सुभी भाई ने, चाचा ने। किसी का सबब मिलेगा ना, गुनाहगार लोग हैं सुभी भाई अपन तो। यार मैं ना जाने से पहले काम करना चाहती हूँ, मतलब मैं ना चाहती हूँ कि मेरी आईडी बिल्कुल खत्म हो जाए। एक बात बता, तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? होंगे 54 करीबन। हेलो, हाँ बस बैठा हुआ है पटेल नाम का, जानते हो आप मयूर चाचा उसे? पटेल को कुछ नहीं बोलोगी भाई, ये बताओ आपको इतना प्यार पटेल से कैसे हो गया आपको, ये बताओ। मुझे तो प्यार इनसे है चेतन जी से। आप मेरी चाची बनोगी? मैं हाँ तैयार है। अरे हाँ कर दे, तेरा क्या बिगड़ा? कौन सा मैं तेरे पास आ रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। बोल दो। ओहो झूठ नहीं बोलती।
यार मेरी चाची सारे झूठ की दुकान है या सच की दुकान कौन है तो बताओ। यार मेरी चाची बन जाओ प्लीज, चाची बन जाओ मेरी, चाची को ही और इतना ढूंढो। हैंडसम स्मार्ट लोना में लगा कहीं? इतना आज स्मार्ट सुभी लड़का भाई मिलेगा तो मुझे? हम दोनों तय करके आए थे कि कोट पैंट में चलेंगे ब्लेजर डाल के लाइट सूफी जी आप पे। पंजाब में कहाँ रहते हो? अपना मैंने अरे नकोदर यहाँ की मत वो देखी थी ना, पूछो, आपकी वीडियोस देखी थी मैंने नकोदर, मैं वहां ये की पे बात मतलब सुभी भाई हर डीएम साल में आती बताते हूँ। हैं। हाँ क्या कह रहे नहीं ऐसी हो बात है, भाई? पर्सनली अलग से पूछ लिया करो, कहाँ रहते हो, कहाँ पता है आपका? अरे मैं डीएम में बात नहीं करता भाई, मैं किसी भी के मैं साथ भी कोटा चल रखा राजस्थान हूँ रहता हूँ, मैं चेतना किसी जी से बात नहीं करता। आ जाइए आप, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी कोटा में, कहाँ पे? कोटा पर आप तो चंडीगढ़ राजस्थान में रहते थे ना, चंडीगढ़ में मैं सब नहीं जगह मिल जाता हूँ आदमी को, चंडीगढ़ तुम्हें मिल गया था डेब, रहते? सस्ता चंडीगढ़ वाला में नेट किसको ले बोल रहे हो घूम रही मुझे? थी। अरे मैं मिला था इसको, बचाया था मैंने क्लब में, किसके क्लब से? चंडीगढ़ में था एक लफड़ा हो गया था। तो वो मतलब चंडीगढ़ में रहते हैं वो? चंडीगढ़ घूमने गई थी। अरे किसकी बात कर रहे हो, अरे किसको टेप किसने को बचाया भाई, नाम लेके बात करो। हाँ तो नाम लो ना, मुझे लगा शायद मुझे बचा दिया, उसको लग रहा उसको बचा दिया अरे भाई, इन्हें मुझे बचाऊंगा लाइव क्या, इन्हें करता तो मैं मैं अपने साथ ले जाऊंगा, चेतना जी को तो कहाँ जहां भी घूमने जाऊंगा। कहाँ अरे अपन चलेंगे आउट ऑफ इंडिया एब्रॉड कहीं मैं भी। कहीं नहीं जाती, ऐसा मत करो, सॉरी। देखो मयूर भाई के लिए आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड नहीं मतलब नहीं थाईलैंड। थाईलैंड पटाया तो कई बार हो गया, मैं नहीं जाती कहीं भी। इन्हें सिंगापुर लेके जाऊंगा मैं, शॉपिंग करा के लाऊंगा। नो हाँ भाई वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, ये टैब कहाँ चलेगी तुम्हारी वाइफ नहीं की? मेरी वाइफ क्यों चाचा होने दो लगी? है ना यहाँ पे, और एक चाचा दूसरा तो चाचा दो कौन आ लगे हुए गया? हैं, मैंने सुना दो चाचा है यहाँ पे इस टाइम। मैं चाचा कब से हो गया आपके लिए? तो मयूर जी हूँ। नहीं मेरे लिए तो आप मेरे लिए भी चाचा जी हो। चाचा कोई उम्र है क्या मेरी चाचा बराबर? सूफी भाई और हम भाई भाई, सूफी भाई कौन है तुम्हारे फ्रेंड? तो उनको तो मैं सूफी जी बोलती हूँ। मुझे मयूर जी बोलोगी, हम दोनों भाई नहीं हैं। आपको पूरी दुनिया चाचा जी बोलती है तो मैं भी चाचा जी बोलूंगी। सुभी भाई ना कड़ा जी, मेरी आईडी का नाम है मयूर जानी, मयूर जान मयूर जान मेरी आईडी का नाम है। तो मयूर चाचा, जान निकलने वाली है इनकी, मयूर इसलिए इसको बोलते हैं मयूर चाचा जान। जान, ये जल्दी लुढ़कने ये वाली है। लो वो, मारो मुझे मारो। चाचा जान ये चलेगा? जान बोलू ना चाचा जान? अरे तुम तो अब मुझे नफरत होती जा अब रही देखो तुम्हारे से। मयूर चाचा की चाचा शादी में जा रहे हैं। मैं कहीं शादी में नहीं जा रहा, मैं तो बैठा हूँ, मूड है। नीचे कोई लिख रहा है नीचे वालों को तो लिखने दो, हम लोग और कमेंट सुखी जी आप में देखो। भाई मैं गोवा जा रहा हूँ और दुआ करना मेरा मेरा जो सफर है भाई अच्छा रहे, और इस बार दीपक भाई के साथ मैं खूब मजे करूं, जा रहे हो भी और मेरे भाई लिए दुआ करना। बस मेरी कहाँ जा रहे भाई की हो? फ्लाइट है आज रात को गोवा। दो टिक एक टिकट और करा लो चेतना जी का भी, चेतना जी चाचा का। को ले जाओ। अरे मुझे तो मेरे लिए तो सब तैयार है, आपको ले जाना चाहिए एक बार। नहीं, मैं नहीं जाती, मैं अपने घर में ही रहती हूँ, यहीं खुश हूँ। कहाँ पर है आपका मकान? दिल्ली? अरे मत बताना, मोहल्ला भी मत बताना, अपना शहर भी मत बताना, ये ढूंढते हुए आ जाएंगे भाई। फिर बोले मत बताना। अरे मैं द्वारका यूपीएससी में, में द्वारका रहती हूँ, में बरौड़ी भाई देख यूएसए रहे में। हो मयूर चाचा को?
द्वारका है, द्वारका। हाँ सही, यूएसए द्वारका से हो आप। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ रहती हूँ। और जी हम तो सब ढूंढ लेंगे आपको, आपका फेज ही काफी है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में सबके फोटो रहते हैं। अब आपका फोटो मेरे पास है, सच हो जाएगा ये लड़की कहाँ रहती है, कौन है, आधार कार्ड में नाम सब दिख जाएगा। मैं वही तो पूछ रही हूँ, चाचा जी आप कहाँ रहते हो? कोटा राजस्थान। चाचा मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, चाचा जन्नत में रहता है भाई। ये इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता भाई, ये स्वर्ग लोक से बिलोंग करता है भाई। गोल्डी भाई आ जाओ, गोल्डी भाई को ऐड किया भाई पहलवान। हाँ और कौन भाई, गोल्डी भाई पहलवान एक ही है भाई। टैब पता नहीं कहाँ भाग गई यार। अभी जो गोल्डी भाई आ रहे हैं ना, ये आप सैम की लाइफ पे भाई, चाचा रहते कब्रिस्तान में। चाचा तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की पे लाइन मारते हो? मुझे तो पता है तुम दुश्मन बन के आओगे। गोल्डी भाई राम राम। राम राम। अब उन्होंने यूएसए का नाम ले दिया ना, गोल्डी भाई जल्दी से बुला लेंगे तुम्हें यूएसए। हाँ या तो एजेंसी खोल रखी है। ये क्या हनी हनी देखा ना, वही लपक लेते हैं गोल्डी भाई। आप हनी हो पूरी। क्या हो चाचा, कहाँ टोपी ओपी, टोपी ओपी पहन के तैयार बैठे हो? नहीं नहीं ऐसे बैठा, आज मेरी बर्थडे लोगों ने मनाई थी, जल्दी मना लिया आज, कल की जगह। अच्छा आपका आपका बर्थडे है क्या? हाँ कल है मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे चाचा इन एडवांस। थैंक यू गोल्डी भाई, थैंक यू। कल पता नहीं यही बात हो या ना हो, अभी से मैंने विश कर दिया आपको। कैसे नहीं होगी, मैं तो आपके पास आ जाऊंगा। अब तो चाचा तुम्हारे डीएम में घुस जाएंगे, बात करनी होगी। मैं डीएम चेक नहीं करती किसी का। गोल्डी भाई घर में घुस जाऊंगा। मैं डीएम चेक नहीं करती। अरे घर का दरवाजा तो खोलोगी? चाचा मान गए तुम्हें। अरे ये मयूर, ये इंसान नहीं है, ये पीर है, ये मरने के बाद जिंदा हो गए हैं भाई। और लोग इन पे जरूर पूछ। हाँ नहीं नहीं अरे तो क्या करूंगा, दिल्ली के जितने भी आधार कार्ड बने होंगे उन पे आपका फोटो क्लिक करूंगा, आपका एड्रेस निकल के आ जाएगा, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ, ले लो मजे। अरे आपका फोटो इंडिया का कहीं तो बना होगा ना, इंडिया में मैं क्या निकाल लूंगा। इंडिया में पंजाब का बना हुआ है। बस जी ओ जी, तुझे क्या बात है, तुझे तो तुम्हारे नाल तो मेरी जोड़ी बहुत अच्छी थी बेटे। तुम्हें चाचा पसंद है? चाचा बतोले। चाचा चाचा को जबरदस्ती पसंद करवाना आता है भाई, वो टैलेंट से भरे हुए इंसान है भाई, छोड़ेंगे नहीं जब तक मानोगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे चाचा उम्र का तो तकाजा करो उस्ताद, ताब है तुम्हारी उम्र भाई, इंसान हो बड़ा बुड्ढा हुआ है। तुम्हारी उम्र की, तुम्हारी उम्र की चाचा ताब है, ताब पे लाइन मारते हो, अच्छे लगते हो तुम। टैब टैब और चाचा एक ही उम्र के हैं भाई, दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए। ये तो भाई सुशील कन्या है, इसको तो छोड़ दो। घोड़ा और इंसान बुड्ढा हुआ है कभी, ये बता दो आप। बस नहीं तो हम तो घोड़ों की नस्ल में से है। टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप। पनोड़ी भाई कहते घोड़े ठीक है लड़े। कितना स्टैमिना है, एक बार अगर लेने का टाइम, अगर नया 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 पंछी मिले तो चार पांच बार टाइम 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 रात को 12 से लेके 5 के बीच में। नहीं टाइम क्या चल रहा है, एक एक ट्रिप का क्या जी। चलो मेरी जगह आप किसी को ऐड कर लो, मैं चलती। अरे चार पांच बार वो महिला खाते हैं कभी, अरे चार पांच नहीं करी। एक्चुअली क्या है कि पहला राउंड तो नॉर्मल, सेकंड में ओवर टाइम, थर्ड में ओवर टाइम। बाय, थैंक यू। ओके बोल जी, अरे कहां जा रही हो आप, ये तो ज्ञान की बात है, तोड़ के मेरी समझ के बाहर है। मजाक कर रहा, मजाक नहीं है मेरा मतलब। चाचा चार पांच बार मत बोलो, देखो दुनिया का झूठ थोड़ी है सच है। चाचा चार पांच बार तो तुम बहुत फेंक रहे हो। नहीं नहीं गोल्डी भाई
घर के अंदर एक बार बहुत है, लेकिन बाहर, अरे वो नीचे देखो, नीचे देखो, अरे नीचे देखो क्या लिख रहा है, बोला 4-5 बार हार्ट अटैक आता है मयूर को एक दिन में। भाई चाचा देखो, तुमने 4-5 बार गए तो ये ताप नीचे से क्यों कह रही है नहीं? आप टैप को कर लो। अरे टैब लिख रही है 4-5 बार, मिर्गी का दौरा पड़ता है भाई नीचे देखो, वो देखो चेतन ने लिखा है। आ जाओ नॉर्मल बात करेंगे, आ जाओ सामने, आ जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, इनके फीचर कितने अच्छे हैं ओली भाई? हां फीचर तो नहीं है मेरे जैसे, आई वेंट क्या लग रही है बेन भाई? भाई पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, गोरे गोरे। एक्चुअली मेरी मम्मा हिमाचल से हैं, पापा पंजाब से, चंडीगढ़ से ही हैं। फिल्टर हटाइयो चेतना, फिल्टर हटाइयो भाई, कसम से कह रहा हूं, फिल्टर नहीं लगा रखा। मेरे पापा शिमला से हैं। लाइट है ना, लाइट गोंडू भाई, लाइट पड़ी हुई है चेहरे पर। डॉक्टर साहब देख लो, डॉक्टर साहब देख लो, अभी मेरे को फिल्टर हटा दिया। और टैब देख लो भाई, टैब तू भी देख ले भाई, कतई देखो। मेरे पिताजी भी शिमला से हैं और मेरी मम्मी ये तो, ये तो, ये तो, ये तो नो डाउट। देख लो गोल्डी भाई के खूबसूरत होते हैं भाई लोग। जाना है तू, जाना दीपक लाल दीपक कलाल 6-7 महीने कश्मीर में रहता था, इस चक्कर में कि गोरा हो जाए, बट हुआ नहीं। चेता जी हमारा गोल्डी भाई है यूएसए से, इनको मैंने देखा है उनके साथ, इनके साथ देखा है, ये बिजनेस पैटर्न है इनको, तो मैंने देखा है गोल्डी जी को। हाँ हाँ, ये बिजनेस टाइकून है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी बिजनेस टाइकून है ये। अच्छा अच्छा, आज तो अंग्रेजी कैडी वाली है। अरे चाहिए किसी से, ऊपर वाले का दिया बहुत है। राजा आज तो कति मलूक लग रहे हो बहन, जो सितारे भी आंखों में बार बार टूम टूम। फिल्टर फिल्टर लगा रखा हो चाचा, क्या क्या प्लान चाचा? देखो भाई कहाँ, कौन से क्लब, कौन सा क्लब बुक करवा रखा है? गन्ना था बुक लेकिन कैंसिल कर दिया सुबी भाई, किसी का खर्चा कराओ। दिल्ली रोहिणी यही रहते हैं ये तो, फिर आपके पास ही, आप सेक्टर टोला में हो वहाँ पर स्टैक। आप अच्छा सुनो, वहाँ पे स्टैक एंट्री अलाउड नहीं है, आप चलोगे मेरे साथ मयूर चाचा की पार्टी पे? लाइव लाइव पे नहीं, लाइव लाइव पे नहीं, लाइव पे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है जाने में। अरे थैंक यू, जाओगी के साथ, जाओगी हजारों के साथ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, सब जानते हैं मुझे भी वहाँ पे। जाओगी चल के आओगी स्टेशन पे? अरे नहीं, जैसे जाओगी ना वैसे ही आओगी घर के अंदर तक। हमारे पास तो जो आता है स्टेशन पे जाता। क्या सुभी भाई अभी ले जाओगे कोट वोट पहन के तैयार खड़े हो? हाँ अभी तो मैं गोवा जा रहा हूँ भाई, गोवा जा रहा हूँ, मेरी तैयारी पूरी है भाई। तो वहाँ पे आप उनको मिलोगे, सलमान जी को, सलमान भाई को? किसको? हाँ हाँ हाँ, उनके साथ मेरा फोटो शूट बुक किया भाई। अरे चाचा कहाँ चले गए? टैब देखो तो एक नंबर है शोर, कहाँ चले गए जो आपने पहन? अरे दीपक, हाँ दीपक ने डाला हुआ ये कोट, वो गोवा में है क्या? दीपक कलाल, दीपक गोवा में तो है। गोल्डी भाई आपकी बहुत तगड़ी फैन है भाई, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। गोल्डी भाई मेरे को भाई कम से कम ये लड़की 20-25-30 लाइक बहुत बारी बोल चुकी है भाई मेरे को, एक बारी प्लीज एक बारी गोल्डी भाई से मिलवा दो। मैं भाई आप जो नाम से कोई काम तो नहीं करवा रहे, जो मैं कहूंगी वो करूंगा। नहीं 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 भाई, भाई ये लड़की आपकी बहुत तगड़ी फैन है, अगर आते लाइव के ऊपर ना बोले तो भाई मेरा नाम बदला दियो। किसी गलत बंदे को मत ले लेना, तुम्हारी हंसी। मैं भाई ऐसा गलत आदमी नहीं, देख के लगता नहीं है गलत नहीं है।
हाँ जी नमस्ते। हेलो दुनिया अच्छी है लेडी, हॉस्पिटल में क्यों? हाँ जी नमस्ते जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, क्या हो गया हॉस्पिटल में, क्या हो गया? देखो सोनिया, आज आपका अरे नहीं, मैंने हो गया भाई, मरने से पहले आप डॉक्टर बोल ली भाई, बहुत अच्छी लेडी है। हाँ जी हाँ जी सोनिया, इससे पहले तुम मर जाओ तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर लो। पनोड़ी जी की अंतिम इच्छा पूरी कर रही हूँ, देखो गर्दन ऊंची करने के लिए आई हूँ। ये बताओ मजाक से ये बताओ क्या हो गया आपको, हॉस्पिटल में क्यों आप? मुझे शुगर है ना, तो बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा जवान पे। अरे ये पंखे से लटक गई थी पनोड़ी है गोल्डी भाई, ये पंखे से लटक गई थी गर्दन ऊंची करने के चक्कर में। चोर लटक गई तो भाई नीचे कौन उतारे भाई, 6-7 लोग चाहिए थे भाई, 3-4 लोग ही थे गार्ड का भी भाई। नीचे आ गया पंखा, नीचे आ गया, बताओ इतना वजन मेरा हैवी है सही में, ये सच है? हाँ कैमरा फ्लिप करके हॉस्पिटल दिखाओ जरा, हॉस्पिटल दिखाओ, मतलब ये पंखे पे लटक गई, पंखा ही नीचे आ गया। अरे पूरा दिखाओ, पूरा घुमा घुमा के मरे हुए लोग भी दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, प्राइवेट में कमरा। हाँ मैं अपने यहाँ पर हूँ, अपने देवर के हॉस्पिटल पे। सुनो अगर 200 करोड़ खर्चना हो पनोड़ी से शादी करनी हो तो तुम्हारा मैंने पनोड़ी जी से शादी नहीं करनी, बस वो मेरे बॉयफ्रेंड बने रहे बस। शादी मेरी एक से हो गई है। खर्च तो मैं करवा दूंगा 2 मिनट में, पैसे क्या? नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त बने रहे बस, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, मैं उनका बहुत एहसान मानती हूँ। वो कुछ भी कहते रहे मुझे बुरा नहीं लगता। ठीक हो गया आपके हस्बैंड के साथ आपका मसला जो चल रहा था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम सॉल्व हो गया। वो कहते हैं तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरी है और इधर ही रहेगी। तो भाई आजकल ऐसा भारी माल मिलता भी कहाँ है? नहीं कैमी नहीं जाएगा, भारी बहुत ज्यादा भारी होगी ना, मैं 6 महीने बाद पक्का पतले होके दिखाऊंगी। कितना वेट है आपका? मेरा 80, मेरा भी 96, 80-90 होगा। 96 किलो था। हाँ जी जी, अब मैं वेट कम 40 के। हाँ जी मुझे अभी डॉक्टर ने ये राहुल, अरे सुनो सुनो मैडम सुनो, हेलो ओ मैडम जी सुनो, राहुल शर्मा को जानते हो? राहुल शर्मा को उसने अपना ऑपरेशन मैंने किया, मैंने बहुत सुंदर लगता है तो वो। लेकिन एक अच्छा लगता है भाई, एक कमी है, मैं पूछ के, जब तुम ये टमी कट वगैरह कराते हो ना, मैं इसमें आपकी ना भूख मर जाती है, मतलब आप अगर फालतू खा लोगे तो वो आपका लू में निकल जाएगा वॉमिटिंग में, तो ये ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए। अरे गोल्डी भैया मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ राहुल एक गुटखा खाता है, एक गुटखा 2 बोतल का, तो मैं वही तो कह रहा हूँ अंदर का सारा एपेटाइट निकल जाता है ना। उन्होंने लिमिट दे रखी होती कि उतना ही खाना है आपको, उससे ज्यादा खाई। हाँ जी अगर अगर राहुल हाँ जी थोड़ा वैसे एक्सरसाइज, ये अभी मेरी डाइटिंग बता दी है डॉक्टर ने, तुमने ये डाइट करनी करनी है, फॉलो करोगे तो आगे लंबी जियोगे, नहीं फॉलो करोगे तो अदनान स्वामी है इसने भी टमी कट कराया था। हाँ जी हाँ जी, और बहुत स्लिम हो गया वो तो। हाँ जी मैं भी इनकी तरह दिखती थी 96 kg में। मैं बहुत ज्यादा होगी ना, मैंने सिर्फ पनोड़ी जी को गर्दन दिखानी अपनी, वो कहते तेरी गर्दन नहीं दिखती। तो आपने कैसे किया? अब तू दिल्ली आए? मैंने जिम कर गुजरात आए पनोड़ी जी। अरे ये पंखे पे लटक गई थी गोल्डी भाई, ये पंखे पे लटक गई थी, ये गर्दन लंबी करने के चक्कर में भाई 40 किलो कम किया मैंने। ओ भाई इसको उतारा बहुत एडमिट आई। वाह आप कहते गोल्डी जी आपकी बॉडी बहुत अच्छी सॉलिड है, बहुत, मैं आपको देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, काफी देखती हूँ मैं। अरे अपने अपने हस्बैंड को भी गोल्डी भाई को फॉलो करो, बोलो ऐसे डोले भूसा अगर मार दे ना के लिए मैं भाई, डोले दिखाओ इसको, डोले दिखाओ जी।
ढाई किलो का भाई, मैं कमेंट ऑफ करता हूं, थोड़े दिखाओ, ढाई किलो का हां। वाओ, अरे इनको मैंने पता नहीं किसकी लाइव में देखा है, याद नहीं आ रहा नाम। हां जी, उनके साथ ही वो बहुत ड्रिंक करते हैं, हरमन पता नहीं क्या नाम है उसका। हां जी, गोल्डी जी को अच्छा, गोल्डी जी को आते लंबी लंबी लाइव में देखा है। हां जी, देखा होगा। तो कब डिस्चार्ज हो गया अब? मैं तीन दिन बाद। शुगर कितनी चल रही है? शुगर अब नॉर्मल हो गई है, बीपी भी नॉर्मल हो गया है। वो कहते हैं डाइट कम कर दो, और दलिया खाने के लिए कहा है, दाल का पानी पीने के लिए कहा है, खाना बिल्कुल खाने के लिए नहीं कहा। हाँ, थोड़ा घुमा करो। हाँ जी, क्या करो, कहते अगर आपने वेट कम करना है। हाँ जी, घास खाने के लिए नहीं, शुगर की बड़ी बीमारी है यार। हाँ जी, थोड़ी ड्रिंक वगैरह भी करने लगी थी बीच पे, तो उन्होंने मना कर दिया, ड्रिंक नहीं करनी थोड़ी अगर तुम जीना चाहती हो। डेढ़ साल छोड़ी थी मैंने भी, ड्रिंक मना कर दी उन्होंने। ड्रिंक तो बिल्कुल मत करो आप, बाहर का खाना, ड्रिंक सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। आप अपना अपना ध्यान रखो, जिंदा रहना। ये पनोड़ी जी, नमस्ते जी, बाय। पनोड़ी जी को भी नमस्ते कहना मेरा। हाँ, अभी करता हूँ फोन। उनको बोलो दिल्ली आए हो, घर पे आ जाओ। उनको बोलो दिल्ली आए हो, घर पे आ जाओ। अरे पनोड़ी भाई लाइव पे बैठ के नीचे देख रहे हैं भाई, अपना गर्दन काट के। पनोड़ी जी, आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। दोनों आप दिल्ली से हो? हाँ जी, हाँ जी, द्वारका से, पालम। अच्छा, पालम बिहार से। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, अपना ख्याल रखो आप। पर मैं पनोड़ी जी को गर्दन अपनी जरूर दिखाऊंगी, पतली होके। हो जाएगी बेचारी। भाई देख दो, इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम्स आर फ्री, ड्रीम्स कम्स ट्रू टू। भाई चलो भाई, किसी रैंडम को ऐड करता हूँ भाई, मैं गोल्डी भाई के साथ। पनोड़ी भाई को ऐड करो ना। पनोड़ी भाई मैं पूछता हूँ, अगर पनोड़ी भाई ऐड होंगे मैं फोन करता हूँ। उन्होंने कहा था मुझे ऐड मत करना, आईडी चिपक गई आपकी। ओ, इसकी शायद सोनिया की। अच्छा, अरे इसका वजन इतना भारी है भाई, कहाँ कैसे उतरेगी। सब हो जाता है, कम करने जाओ तो हो जाता है यार, ऐसा कुछ बड़ी चीज। मेरे को डेढ़ साल लग गया। कैरेट में चले जाओ, अपने आप हो जाता। नीचे लिख रहे पनोड़ी भाई दिल्ली आना। अरे यार, गांव के लड़कों के साथ बैठे होंगे, ही इज नॉट आंसरिंग माय कॉल। नीचे बैठ के देख रहे, पता है क्या होता है, आजू बाजू में ना बहुत सारे लोग होते हैं, बंदा ना कान में ऐसे हेडफोन लगा के फोन डाल दिया, भाई देखो मेरे दोस्त क्या बातें कर रहे हैं, भाई वो सारी चीजें चलती रहती है। That's why he's not answering my call. तो मैं अभी देखता हूँ भाई लाइव पे नीचे कौन है। गांव के लड़कों के साथ? तो पनोड़ी इंडिया में तो है। गोल्डी भाई आपकी एक और बहुत तगड़ी फैन है भाई, मैं उसको ऐड करता हूँ भाई, वो भी बहुत बार कह चुकी गोल्डी भाई के साथ मुझे ऐड करना प्लीज। बहुत प्यार। गोल्डी जी को लगता है नींद आ रही है, वो लेट गए सोफे पे खाना खा के साथ के साथ ही। अरे नहीं, गोल्डी भाई को भाई बहुत, अरे गोल्डी भाई को इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग प्यार करते हैं भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो कितने बजे उतारेगी? 5 बजे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को 4:10 पे उतार देगी। सही है। तो कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? आपको सुबह बताती हूँ, गोवा में